हाय गाइस, कजुलाल ब्लॉग में आपको स्वागत है। कैसे दोस्तों, उम्मीद हुआ कि बहुत ही अच्छे होंगे और दिल के भी अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ आज सेकंड फ्लोर पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कबूतर के दो अंडे हैं और सबसे नीचे गाइस कबूतर ने घोंसला लगा रखा है और वो अब बच्चे फोड़ने वाला है। अब अंडे से बाहर बच्चे निकलने वाले हैं गाइस। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि मैं सेकेंड फ्लोर पर हूँ। ये देखिए, ये रास्ता है सीढ़ी से अंदर आने के लिए। और ये देखिए किचन है, और ये देखिए एक रूम है, और ये देखिए बालकनी गाइस। और हम आपको दिखा दें कि यहाँ से एकदम क्लीन दिखाई देता है, देख रहे हैं। और नीचे आज बालू गिर चुका है। आइए आपको दिखाते हैं गाइस। देखने के बाद आप लोग कहें कि नहीं, वाकई में बहुत ही कमाल का अंडा है। और इस वक्त जो है कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ है, तो हमें जब भी जाना है, जैसे भी जाना है, बहुत धीरे धीरे जाना है, वरना कबूतर उड़ जाएगा और उसे डिस्टर्ब महसूस होगा। हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, और दिखाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है गाइस, तो तैयार रहिए आप लोग। अब मैं आपको थोड़ा सा किचन में घुमा दूँ। हम इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं, ये डबल खिड़की काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ठीक है गाइस, आइए आपको दिखाते हैं कबूतर का अंडा। कोई शोर शराबा नहीं करना है, अभी हम चलेंगे अंदर। ये रूम देख रहे हैं जिसका पानी रखा गया, इसी रूम में कबूतर का अंडा है और उस पर कबूतर विराजमान है, यानी बैठा है, अपना अंडा फोड़ने की तैयारी कर रहा है, उसमें बच्चे निकालने के लिए। ठीक है, ये दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं अंदर। यहाँ देखिए कबूतर बैठा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कबूतर बैठा है और इसके उड़ जाने से देख रहे हैं कबूतर इसी पर बैठा हुआ है, देख रहे हैं एकदम पास में ये है कबूतर। देखिए एकदम है ना गाइस, एकदम नीचे कबूतर, और कबूतर बहुत ही सीधा है और ये सोच रहा है कि ये बंदा, हर इंसान बोले नहीं होते, लेकिन जो है ये बंदा आया है मुझे देखने के लिए कि मैं सुरक्षित तो हूँ, और ये जानता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे की तैयारी में लगा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग बाहर की तरफ और इसे अपने अंडे पर विराजमान रहने देते हैं, क्योंकि ये अपना काम कर रहा है और हम अपना काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, धीरे से इसके पास से हट जाते हैं। और हटने के बाद ये देखिए रूम में, और ये जो सामने है ये बाथरूम है, और सीधे बाहर देखिए कबूतर उड़ गया और मैं डर गया, बाप रे बाप, ओह नो, कबूतर चला गया बाहर, मैं तो डर गया और कबूतर एकदम बिल्कुल बाहर चला गया गाइस इस रास्ते से। अब यहाँ हो सकता है बैठा हो, लेकिन बट चला गया, कोई बात नहीं। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कबूतर बैठा हुआ था, लेकिन बट मैं जैसे ही बाहर निकलने वाला था कबूतर झट से उड़ गया और मैं डर गया। और जब वो बाहर निकल गया तो वो जाता था, वो कोई नुकसान नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा हट जाना चाहिए, तो वैसे वो हट गया और मैं बाहर निकल गया। ठीक है गाइस, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटे वाले को छोड़ दीजिएगा, जिससे दोस्तों हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचता है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली बाय बाय, लव यू गाइस, सपोर्ट करिएगा भाई को।